ओके okay, तो अब अब हम क्या देखेंगे एक्सरसाइज मैं आपको एक्सरसाइज समझा रही हूँ चैप्टर ट्वेल्व की ओके चैप्टर ट्वेल्व में हमने जो डिफरेंट पीपल्स थे उनके डिफरेंट जॉब थे उनके बारे में देखा था तो अभी इधर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स ए वन ए डैश ग्रोज फूड फॉर अस हमारे लिए फूड कौन ग्रो करता है कौन बताएगा इन टेल मी ओके फार्मर कौन बताएगा फार्मर फार्मर ग्रोज फूड फॉर आवर्स एफ ए आर एम ई आर फर्स्ट फिलअप क्या है फार्मर सेकेंड फिलप अभी डैश मैं यूर शूज़ आप हमारे शूज़ कौन बनाता है आपके शूज़ कॉबलर तो सेकेंड में आंसर क्या आएगा कॉबलर तो सी ओ डबल बी एल ई आर कॉबलर ओके दें नंबर थ्री अ डैश क्लींस द स्ट्रीट्स स्ट्रीट्स क्लीन कौन करता है आपको मालूम है स्वीपर तो स्वीपर की स्पेलिंग क्या है एस डब्ल्यू ई पी ई आर स्वीपर ओके देन अ कारपेंटर मैक्स डैश कारपेंटर क्या बनाता है फर्नीचर फर्नीचर की स्पेलिंग क्या है एफ यू आर एन आई टी ई आर फर्नीचर फोर्थ में फोर्थ में आंसर क्या आएगा फर्नीचर अभी फिफ्थ है अ डैश प्रोटेक्ट्स द कंट्री कंट्री को प्रोडक्ट्स कौन करता है मैंने आपको समझाया था कौन ओके okay, सोल्जर तो कौन करता है सोल्जर सोल्जर की स्पेलिंग क्या है एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर ओके अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन बी पे ट्रू फॉल्स पे ओके सी ट्रू फॉल्स अभी हम आ गए ट्रू फॉल्स पे ओके okay. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स एवरी वन डज द सेम काइंड ऑफ जॉब सब लोग सेम काइंड मतलब सेम जॉब करते हैं सही है नहीं क्यों क्योंकि सारे के जॉब अलग अलग होते हैं ओके तो ये सेंटेंस कैसा है फॉल्स है कि ट्रू फॉल्स तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में फॉल्स एफ नंबर टू अ फार्मर स्टिचेस आवर क्लोथ्स अ फार्मर स्टिचेस तो क्लोथ फार्मर हमारे क्लोथ सिलाता है नो तो कौन सिलाता है टेलर तो फार्मर का काम क्या है फार्मिंग करना तो ये सेंटेंस ट्रू है क्या फॉलो फॉल्स ओके नंबर टू फॉल्स नंबर थ्री वॉचमैन क्लीन द स्ट्रीट वॉचमैन स्ट्रीट को क्लीन करता है नो कौन करता है फिर स्वीपर तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है तो फॉल्स नंबर फोर अ शॉप एक अ शॉपकीपर सेल्स अस थिंग्स वी नीड यस करेक्ट शॉपकीपर अलग अलग थिंग्स बेचता है नंबर फाइव ओनली सम जॉब्स आर इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं होता है सारे जॉब्स इंपॉर्टेंट होते हैं सपोज स्वीपर नहीं हो होगा तो स्वीपर का, का काम कौन करेगा डॉक्टर नहीं होगी तो डॉक्टर का, का काम कौन करेगा कॉबलर नहीं होगा तो कॉबलर का, का काम कौन करेगा तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग फॉल्स तो फिफ्थ वन में फॉल्स आएगा ओनली सम पीपल्स ओनली सम जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट नहीं होते ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंस दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग तो आंसर क्या आएगा फॉल्स अभी देखो यहाँ पे मैचिंग दिया है मैच द फॉलोइंग मैं पहले ए वाला पार्ट आपको बताती हूँ अ फार्मर दो प्लम्बर अ कारपेंटर अ सोल्जर आई वी शुड रिस्पेक्ट अभी मैंने आपको चैप्टर में समझाया था फार्मर का प्लम्बर का कारपेंटर का सोल्जर का हमें किसकी रिस्पेक्ट सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यह भी मैंने आपको बताया था अभी बी में देखो आप फार्मर क्या करता है ग्रो क्रॉप्स सी को मैच करना है किसको सी को मैच करना है यह अभी आपको घर पे मैच करना है देन आई विल चेक योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक वेन जब आपकी स्कूल खुलेगी तब ओके प्लम्बर प्लम्बर का काम क्या है मैंट्स लीकी लीकेज पाइप्स डी वाला नंबर टू का डी मतलब मेन्ट्स लीकिंग पाइप्स जो लीकेज पाइप है उसको रिपेयरिंग करना अभी सोल्जर सोल्जर का, का काम क्या है प्रोटेक्ट अवर कंट्री नंबर ए सोल्जर का कहाँ आएगा मैचिंग नंबर ए में अभी नंबर फिफ्थ वी शुड रिस्पेक्ट हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहिए ये हमने लेसन में पढ़ा ही है तो एवरी वन फॉर द वर्क्स दे डू एवरी वन फॉर द वर्क्स दे डू अभी मैंने एक बोला ही नहीं था देखो कारपेंटर वाला तो कारपेंटर क्या करता है मेक्स फर्नीचर ई ओके थ्री को ई अभी मैं फर्स्ट से फिर से बताती हूँ वन का आएगा सी प्लम्बर का आएगा डी सोल्जर का आएगा ए कारपेंटर का आएगा ई एंड वी शुड रिस्पेक्ट बी एवरी वन फॉर द वर्किंग डे ओके अभी क्वेश्चन आंसर से यहाँ पे देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाई डू वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स हमें एक दूसरे की हेल्प क्यों करनी चाहिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं हो जाएगा ओके नेम एनी टू पीपल हु हेल्प अस हेल्प अस राइट वॉट दे डू नेम एनी टू पीपल हु हेल्प अस एंड राइट वेन दे डू अभी देखो जैसे कि आपकी चप्पल टूट गई है तो आप किसके पास जाओगे कॉबलर के पास तो वो आपकी हेल्प भी हो गई ना ऐसे ही वाई शुड वी रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क क्यों हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑल सभी जॉब का क्योंकि देखो अभी सभी जॉब का हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमें वो हमारा वो काम नहीं होगा आपको कॉप्डर के पास जाना है या स्वीपर के पास जाना है या आपको फार फार्मर नहीं होगा तो हमें ये सब कुछ चीज़ें मिलेगी क्या नहीं तो उनका इसलिए रिस्पेक्ट करना चाहिए ओके समझ में आया सबको अभी जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको ये अच्छी तरह से और समझाऊंगी और राइट भी करवाऊंगी ओके और अभी देखते हैं हम एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ में क्या है इन योर नोटबुक स्टिक और ड्रा पिक्चर अब अभी ये जो नीचे पिक्चर्स दिए हैं वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो या स्टिक चिपका भी सकते हो स्टिकर्स ड्रा पिक्चर ऑफ़ द फॉलोइंग पीपल पहला पहला वाला कौन है शॉपकीपर शॉप कीपर का आप पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो और स्टिक भी कर सकते हो सोल्जर फार्मर एंड कॉबलर इन चारों के पिक्चर आपको आपके नोटबुक में स्टिक करने हैं या ड्रॉ करना है अभी देखो नंबर टू मेक अ थैंक यू कार्ड ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन अ फोल्डेड पेपर एंड राइट दे राइट थैंक यू इन साइड द पेपर अभी एक पेपर लेना है आपको छोटा सा वो उसके दो भाग करने हैं मतलब उसको बीच में फोल्ड करना है और ऊपर वाला जो फोर्शन है उसमें आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो आपकी जो भी मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है आप टेडी भी टेडी बेयर ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हो कोई भी डोरी मॉम ड्रा कर सकते हो एज यू विश तो आप वो ड्रॉ करके इन जो अंदर की साइड है उसमें थैंक यू बोलना है गिव दिस कार्ड समन हु हेल्प्स यू एवरी डे आपको जो एवरी डे काम आता है उनको आप वो कार्ड दे सकते हो सो नाइस आइडिया है ना ओके okay. आपको समझ में आई एक्सरसाइज